हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधवी वर्मा ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे। आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि सोने को ही उठने को ही लेट हो गई थी। पहले रात को सोई लेट, फिर उठी लेट, और ऊपर से उठी उठी तो नक्षत्र नहीं फिर हिलने दे रहा था। फिर जब 12:30 बजे उठे हैं आज हम, तो 12:30 बजे उठ के फिर मैंने नक्षत्र को नहलाया। जब उठा वो, फिर घर के काम किए, खाना खाया, अब जाके फ्री हुई हूँ। अब थोड़ा सा रेडी हुई हूँ मैं, अभी बस तैयार हुई हूँ। आज आ गई हूँ मैं अपनी पुरानी लुक में, प्रेगनेंसी टाइम की लुक में। ये मेरा प्रेगनेंसी टाइम का कुर्ता है, ज़्यादातर मैंने ये वाला वेयर किया है। और एक और था मेरा, शॉर्ट में था मैरून कलर का, उसके बाद ब्लैक प्लाजो, ऐसी ऐसी चीज़ें पहननी थी मैंने। और अच्छा लग रहा है गर्मियों वाली लुक में आके, अच्छा लग रहा है। बाल छोटे हो गए हैं बस, पर आज मस्त लग रहे हैं बाल, ऐसा नहीं है। खुद ही करली करली हो गए, ऐसे मेरे करली हेयर हैं बहुत ज़्यादा। तो वो नक्शी बाहर धूप में है तो जाती हूँ उसके पास, और गुगू भी आने वाली ट्यूशन से, फिर हम खाना खाएंगे। आज मैंने ना सूट देने हैं सिलने के लिए, थोड़ी देर बाद आके मैं सूट निकालूंगी, बेड से बेड में डाल लूँगा अभी तो, वो निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या आया था, सूट कौन कौन से बने थे जब नक्शू का नामकरण हुआ था, तो वो सूट बताऊंगी मैं आपको। चलो पहले नक्शू को थोड़ी देर देख लूँ, फिर देखते हैं सूट का, फिर उसको सिलने देंगे। हेलो, तो शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं और नक्शू अभी सोया, जब से इसको सुला रही थी यार, हो गया इसको आधा घंटा सोया, अब गोदी से नहीं उतर रहा, तो ये उठ जाए। और शाम की टेंशन होगी अब खाना बनाने की, क्या बनाएं शाम को, क्या बनाएं यार, इजी सा। अब मेरी आंखों में ना दर्द हो रही है, शायद काजल नहीं सूट बैठा, काजल लगाते ऐसे ना धुंधली धुंधली सी हो जा रही है आईज बिल्कुल ही। और गुगू ट्यूशन से आई थी, फिर ट्यूशन से आके चली गई खेलने, अभी दिखी है मुझे, खाना भी नहीं खाया स्कूल से आके, आज अभी खाया नहीं लेट। और नक्शी आज देखो मैं हाफ बाजू में बैठी हूँ बस, अभी मैं स्वेटर डाल ही लूँगी, ठंडी ठंड लग जाएगी। नहीं गर्मी लग रही है, जैसे गर्मी का मौसम होता है। और बस अभी मैं आपको अपनी ड्रेसेस बताती हूँ, ड्रेसेस नहीं सूट बताती हूँ। मैं ना सूट सिलने को दे रही हूँ, मेरे को फंक्शन में बने थे, मैंने बोला था ना अभी निकालते हैं अंदर से आपको बताते हैं, मैं बताती हूँ आपको अपने सूट जल्दी से देने सिलने दे दूँगी, क्योंकि अब आ रहा है गर्मी आ रही है, तो सूट मेरे जो पुराने वाले हैं वो कोई भी फिट नहीं आ रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको अभी ऐसे रहने देती हूँ, क्या पता अगर फिर से पतली होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी वाले तो सिलवा के वो टाइट करवा सकते हैं, बट ढीले करवा के अगर टाइट कराए फिर इन्हीं में रह जाएगा, तो नए सूट सिलवा लेते हैं, उनको रहने देते हैं कुछ टाइम, देख लेती हूँ 1-2 महीने, नहीं तो फिर उनको ढीले करवा लूँगी परमानेंटली। तो सूट निकालते हैं और सिलवाते हैं सूट, नए नई नई ड्रेसेस, कि कहीं घूमने जाना हो, बाहर जाना हो तो बड़ी दिक्कत हो रही है, कपड़े नहीं है। तो अभी बैठी हूँ, थोड़ा सा सो गई थी मैं नक्षत्र के साथ, आंखें बारी बारी से हो रही थी मेरी, फिर सो गई थी। अभी मैंने अपनी सूट निकालने हैं तो कल दूंगी, या तो जाऊंगी या वो आंटी को घर पे बुलाऊंगी, अगर टाइम लगा तो जाऊंगी, नहीं तो उनको ही बुला लूंगी। अच्छा है ना ये वाला सूट, देखो ऐसा सूट है ये, और ये वाला मम्मी, ये मेरी सिस्टर ने दिया है मेरे को ये वाला सूट, ये एक, और ये वाला मेरे को दिया था पापा वगैरह ने, मम्मी वगैरह ने। अच्छा ना ये भी, अब इसको सिलवाएंगे, इन तीनों सूटों को दूंगी सिलने, कल आ ही जाएंगे जल्दी। अच्छा चुन्नी ऐसी है इसकी ना, नीचे का और ऊपर का सेम सेम है, बढ़िया लगेगा ये भी, इनको सिलवाएंगे आज। तो ये सूट है मेरे सिलने के लिए, अब मैं कल दूंगी सिलाने को। और मैं अभी बहुत सारे बर्तन धो के आई हूँ, पूरा वो भर गया था, सिंक भर गया हुआ था बर्तनों से, वो धोए अभी, नक्शी टीका हुआ था, गुगू ने संभाला हुआ था, तो मैं फटाफट धो के आ गई। मैंने ही खाना खाया आज, गुगू तो गई थी धाम खाने, है ना, शादी में गई थी धाम खाने के लिए, और बस मैंने अपना खाना खाया, और सुबह के बर्तन थे हो रहे थे, टाइम नहीं लग रहा था, तो अभी फटाफट निपटाया, क्लीन कर दिया मैंने किचन बिल्कुल, और बस अभी सोने की तैयारी हो रही है। नक्शी सोएगा तो सोने को मिलेगा,
तब तक जानते रहेंगे। और मेरी एक ट्यूब भी ख़राब होगी, उसको भी ठीक करवाना है। बुलाऊंगी, अब देखती हूँ जब बाजार जाऊंगी तो ट्यूब वाले को बुलाऊंगी। नंबर नहीं है मेरे पास, और बाहर के रूम में भी एक ट्यूब लगवानी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अभी गुगु गई है जस्टी स्कूल, और नक्षित भी उठ गया था, अभी सो गया है गोदी में। उसके जाने के टाइम उठ के बैठ जाता है रोज, जब उसके तैयार होने का टाइम होता है जाने का होता है। बस अभी मैं भी उठूंगी थोड़ी देर में, रात सो गए थे हम। फिर देखते हैं नेक्स्ट काम, उठ के नहा के फिर मिलते हैं। अभी नक्षित को नेबुलाइजेशन होने वाली है। टिड्डी, अभी नक्शु को एक बार स्टीम दे दी, अब 5 मिनट बाद फिर से देंगे, नेबुलाइजेशन करेंगे। तो अभी मैं बाहर घुमा रही हूँ इसको, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आए हुए हैं हम। कुची, ओ कुची, ओ देख, शाम का टाइम है, मेरे को लगता है 6 बज गए होंगे शाम के। बस एक बार जाके नेबुलाइजेशन एक बार और होगी, फिर जाते हैं घर दवाई लेके। गुगू वेट कर रही होगी घर में, उसको बता के भी नहीं आई मैं आज, है ना गुगू, है ना? अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, बस अभी जाती हूँ अंदर, चलो ले जाती हूँ, 5 मिनट हो गए। अब दोबारा दे देते हैं इसको एक बार स्टीम और। अभी पहुंचे आके, हमने कपड़े वगैरह चेंज किए मैंने और नक्षित ने, हाथ मुंह वगैरह धो लिए अपने, साफ सुथरे हो गए और कपड़े धोने को डाल दिए साथ साथ में मैंने हॉस्पिटल के। वहाँ पे ना जब हम गए तो वहाँ पे डेथ हुई पड़ी थी किसी की, डेड बॉडी पड़ी थी। फिर मेरे को नक्षित को उसके बॉडी के पास से लेके जाना पड़ा था, मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर अभी 2 बार दी इसको नेबुलाइजेशन, फिर कल बोला है कि फिर से दे देना 1-2 बार तो ठीक हो जाएगा, बाकी दवाई दी है। अब देखते हैं क्या रिलीफ मिलता है, कितने दिन हो गए इसको बीमार हुए ठीक नहीं होने में आ रहा। और गुगू इसको टोपी भी पहना देना है ना, सॉक्सीज पहना दे। गुगू उसके ना पजामी चेंज करा रही है, वो पानी लग गया था, अभी चेंज तो करा दिया, तो मैंने आते ही कपड़े जाती वाली डाले थे, फिर गंदे हो गए थे वहाँ पे, बेड वगैरह गंदे होते हैं। तो मैं तो अपना नेबुलाइजेशन वाली वो जो मशीन होती है वो तो खरीदने वाली थी, पर डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर बोलते ज़रूरत नहीं, आप यहीं पर आके दे देना, नहीं तो मैंने ले आनी थी। अभी मैंने कर ली थी किसी से बात लेने की, फिर मना करके आई, अब कल फिर से जाना पड़ेगा लेके। थोड़ी सी दिक्कत जाने की है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो अभी मैं खाना बना लूँ, मैं राजमा भी गोए हुए थे सुबह से, तो राजमा को रख देते हैं उबलने के लिए और तड़के की तैयारी। पता लग गया था देखो हॉस्पिटल जा रही, बता दिया था मेरे को। हाँ, चलो चलो, तो चिड़ गया हुआ है नक्षी तो टॉपी इसकी यहीं पे थी शायद। चलो अभी मैं लगाने लगी राजमा को तड़का, और इस साइड चावल रख देती हूँ, पीछे फैन चला हुआ है, धुआं हो गया था क्योंकि, बंद करते हैं। तो बस अभी तैयारी फुल है, बस तड़का लगाते हैं। और गुगू को लगी भूख, आज लेट हो गया हॉस्पिटल के, 7 बजे तो मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, 4 बजे की गई हुई। तो अभी आके फिर थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ है, लेट हो गया था, 8 बजे मैंने खाना रखा बनना, बस अभी बन ही जाएगा। अभी तैयारी करते हैं, तड़का लगा लेते हैं, खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर उसके बाद मुझे कपड़े तय लगाने हैं पीछे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए तय लगाने को। खाना भी बन रहा है और नक्षित को थोड़ा रिलैक्स मिला, अब थोड़ा कफ बाहर आ रहा है, जैसे खांसी कर रहा है तो कफ बाहर आ रहा है। बस अभी खाना खा के इसको दवाई दूंगी, उठने उठ जाएगा थोड़ी देर में, सो ले, रेस्ट कर ले थोड़ी देर, तो आराम मिलेगा और ज़्यादा। बस खाना खा लेते हैं अब, बस सीटियाँ बज रही हैं, चावल शायद बन गए, मैं जाके बंद करती हूँ गैस जल्दी से, कहीं जल जाते हैं।
नक्षत सोया है, देखना कैसे सो रहा है। हो गया हो गया, बस उठ जाए फिर दवाई दूंगी इसको और बाकी काम सुबह करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।